गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, मार्केट से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि 61.8% का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमें निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के अंदर मोमेंटम तभी आएगा जब निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको सारा दिन एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ दिखेगा। ये ऊपर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया और यहाँ पे ये रेंज बना के कंटिन्यूअसली इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसा हमने एंटिसिपेट किया था मार्केट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। तो अगर कल ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि रेंज का जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर के साइड में होना चाहिए, बट इन केस अगर नीचे के साइड में होता है तो पैनिक की कोई बात नहीं है क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। और हमने जैसा डिस्कस किया था कि शॉर्ट के साइड का ट्रेड अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में शॉर्ट के साइड का ट्रेड तभी खुलेगा जब तक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता 22,059। तो यहाँ पे आएगा तो ये एक वॉलेटिलिटी का एरिया हो जाएगा और इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 23,000 तक का लेवल यहाँ पर रिटेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप का है स्ट्रैटेजी होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जब तक 81% के नीचे नहीं निकलता यहाँ पे कोई भी सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। सारा दिन अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा कि यहाँ भी एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो रेंज का ब्रेकआउट तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर नीचे आता 81% के आसपास में तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो एक पॉजिटिव कैंडल के ऊपर फिर यहाँ बाइंग मोमेंटम हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो दोनों इंडेक्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है, आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1-1% ऊपर की तरफ चल रहे हैं। स्मॉल कैप में भी अच्छा मोमेंटम है। बाकी जो स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किया था वो सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम वापस से देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन सा स्टॉक्स को हम यहाँ पे ट्रैक करके चलेंगे जहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्री मैं काफ़ी लोअर लेवल से कवर करता आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो क्लोजिंग है वो 38% के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि कोई भी डिप आएगा यहाँ पे ये सारे डिप को यहाँ पे बाई किया जाएगा। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे मार्केट में यहाँ पे डिप आया इमीडिएट बाउंस हुआ, यहाँ पे एक डिप हमें देखने को मिला इमीडिएट बाउंस हुआ, तो ये सारे बायर्स के एरिया, यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूअसली अपने पोजिशन को एक्यूमुलेट करेंगे। जब तक ये 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, तो इसको बाई करके हम चल सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। HCC की अगर हम बात करें तो HCC मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स मैंने शॉर्ट्स वीडियो में परसों के दिन ही वहाँ पे शेयर किया हूँ। HCC बिल्कुल इसी लेवल पे मैंने शेयर किया था कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। NBCC भी मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। RBL बैंक भी मैंने शेयर किया हुआ था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के सीख सकें और अपने डाउट को क्लियर कर सकें। आपको किसी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ के उसको फिर आप उस स्पेसिफिक स्टॉक पे हम टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपके सामने उसे ज़रूर रखूंगा। तो आरती इंडस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे भी बाई की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें HCC का हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो यहाँ पे भी जो सेम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा कि ये भी एक डबल करेक्शन के अंदर में था। यहाँ पे ABCW का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन हुआ, तीन मूव में हमें यहाँ पे वेव वाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। देन आफ्टर जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मूव कर रहा है। 38% के ऊपर क्लोजिंग है, मतलब 37 रुपीज एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और जब भी कोई एक स्विंग निकलेगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो टारगेट है ये एक्सटेंड होता हुआ हमें देख सकता है 49.85 और 52 रुपीज तक ये टारगेट एक्सटेंड होता हुआ देख सकता है। तो HCC को हम यहाँ पे रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें GNFC, काफी लोअर लेवल से मैं शेयर करता आ रहा हूँ। सेकेंड एंट्री यहाँ पे मिला, जो हमने इसको परसों के वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ एंट्री, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 20-22 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते चलिए। 38% एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और हालांकि अगर हम बात करें तो GNFC का जो हम यहाँ पे टारगेट एंटिसिपेट करके चल रहे हैं वो काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पे
है, बट ये पोजिशनल व्यू है, तो इसको अचीव होने में टाइम लगेगा। बट अगर हम इंट्राडे की बात करें या फिर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन की बात करें, तो कल अगर इस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है हमें वापस से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जीएनएफसी के अंदर। यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें एनबीसीसी, जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट स्पेस को शेयर किया था, तो इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट्स बनाया था कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको एक करेक्शन पैटर्न पूरा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो लेंथ है वेव सी का, वो लेंथ ऑफ वेव ए के इक्विवेलेंट है, मतलब थोड़ा ज्यादा है। प्लस इसके बाद देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कंटिन्यूसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट होता है कि जब भी कोई प्राइस हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलता है, मतलब कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे वापस से बायर आएंगे एक्यूमुलेट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, नीचे आएगा बायर्स आएंगे एक्यूमुलेट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो हायर हाई का ये तो मतलब होता है। तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो क्लोजिंग है वो 38% के ऊपर आ रहा है, मतलब 132-150 के आसपास है, तो यहाँ पे भी हमें एक फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिल सकता है 149 रुपीज़, 149-150, और जो सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट होगा वो 196 रुपीज़ का यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। आरबीएल बैंक, इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला हुआ है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आरबीएल बैंक के अंदर अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, एक ट्रिपल करेक्शन के अंदर में था, यहाँ पे ए बी सी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे वाई का फॉर्मेशन हुआ, डबल एक्स का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ऊपर मूव कर रहा है। जो प्राइस है 38% के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज आने के बाद कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है, 61.8% एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल होता है, तो शायद हो सकता है कि हमें यहाँ पे कल ये हॉल्ट करता दिखे या परसों हॉल्ट करता दिखे और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो टारगेट इंटैक्ट है, 313 रुपीज का टारगेट है आरपीएल बैंक में, जो हमें जल्दी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख सकता है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। सिटी यूनियन बैंक को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, 38% के लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है और मुझे याद है कि मैंने कुछ इस लेवल पे आसपास में यहाँ पे इसका शॉर्ट्स बना के डाला था, तो यहाँ से ऑलरेडी जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप क्या प्रॉफिट आपके पास आ रहा होगा। मेरे पास ये पोजीशन नहीं है बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ था, तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो आपको एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, जिसका ये आज सीधा गैप अप खुला, तो इस वजह से जब भी एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेगा, तो प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी प्राइस गैप अप खुलता है और बड़ा गैप अप खुलता है तो हमें वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। रीजन भी जिन्होंने भी यहाँ पे ओवरनाइट बाई किया उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, बट गैप अप खुला एक ओवरनाइट इनको प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर जिन्होंने यहाँ पे बाई किया इनको भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोशिश करते हैं कि एक बार पहले प्रॉफिट बुक करके निकले, इसके बाद फिर वापस से एंट्री मिलेगा तो वहां पे एंट्री ले लेंगे। तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, कल अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, तो जो इस पोल का लेंथ है हम सेम लेंथ को ऊपर को प्रोजेक्ट कर लेंगे, यही हमारा टारगेट होगा, ये हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। प्लस सिटी यूनियन बैंक का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, अगर आप मंथली चार्ट देखें तो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था मैंने यही चीज यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है जहां से कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके बाउंस करता है और ऊपर में ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर में यहाँ पे आता है फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलता है फिर नीचे आता है यहाँ से बाइंग देखने को मिलता है, बिल्कुल कोटक बैंक का और इसका सेम पैटर्न, ऐसा ही आपको पैटर्न वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो कल अगर मान लीजिए ये ऊपर को निकलता है, मतलब कि अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा, तो 106, 157, 158 लाइक, या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर निकलता है या फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ दिखेगा, तो ये रेंज का ब्रेकआउट होने पे एंट्री कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट ये हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमें इंट्राडे के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है और फिर स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख के हम कंटिन्यूअसली ट्रेल कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटलाइज कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा है, आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख के खुद से स्टॉक को सेलेक्ट करके अगर आप बाई कर रहे हैं तो कैसा दिन जा रहा है, मतलब अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट सा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पे कोई चैलेंजेस आ रही है मुझे बताइए, मैं हूँ, आई विल सॉल्व दो चैलेंजेस फॉर यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।